हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरोशन नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं शशांक और फिर से एक हाजिर हो गया हूं एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो लेकर आए हैं ओबीजी पोर्शन से, एपिजियोटमी आप देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो आइए देखते हैं एपिजियोटमी कौन कौन से टाइप की होती है और क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन, मेकिंग एन इंसिजन ऑन टू द पेरिनियम टू एनलार्ज द वजाइनल इंट्रोइटस To facilitate the vaginal delivery, also known as perineotomy. मतलब एक incision दिया जाता है during second stage of labor, episiotomy उसको बोलते हैं, कि एक छोटा सा incision देते हैं ताकि जो vaginal opening है वो थोड़ी और बड़ी हो जाए, जिससे कि जो fetal head है वो अच्छे से बाहर आ सके और normal vaginal delivery को facilitate किया जा सके। इसलिए एक incision दिया जाता है वजाइनल ओपनिंग के पास, ठीक है, और इसको पेरिनियोटमी भी बोला जाता है। ये हो गई डेफिनेशन। सीजर, कौन सी सीजर से दिया जाता है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, काफ़ी बार इमेज देता है और बोलता है कि ये कौन से टाइप की सीजर है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सीजर है वो थोड़ी टेढ़ी हो रखी है, आगे से थोड़ी टेढ़ी है, तो इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एपिजियोटमी सीजर। कई बार पूछ लेता है नाम, तो इसका नाम है ब्रॉन्ज एपिजियोटमी सीजर, जो कि काम में आती है एपिजियोटमी देने के। आगे बढ़ते हैं, इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं एपिजियोटमी देने के। प्राइमरी कैविटी फीमेल में ऑलमोस्ट जो है वो इतनी इलास्टिसिटी नहीं होती वजाइना की, तो फीटल हेड को बाहर निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा सा इंसिजन लगा देते हैं ताकि फीटल हेड जो है वो अच्छे से बाहर आ सके, ठीक है। सीपीडी, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, यानी कि जो पेल्विस है उसका साइज जो है इतना नहीं है कि वो फीटल हेड को इंगेज कर सके और फीटल हेड जो उसका फीटस का हेड है वो अच्छे से बाहर आ सके, ठीक है। तो फीटल हेड का जो साइज है कंपैरिजन टू पेल्विस वो ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। बिफोर वैक्यूम एंड फोर्सेप्स डिलीवरी, मतलब जब भी कोई वैक्यूम डिलीवरी करनी हो या फोर्सेप्स डिलीवरी करनी हो, उससे पहले भी इंसिजन दे सकते हैं ताकि जो साइज है वजाइनल ओपनिंग का वो बड़ा हो सके, ठीक है। फीटल इंडिकेशन में देखते हैं लार्ज साइज बेबी, तो जो बेबी है बेसिकली उसको लार्ज साइज बेबी को कैसे फाइंड करेंगे, कि जिनका जो वेट है वो मोर देन 4 kg होते हैं, तो उसको बोला जाता है मैक्रोसोमिया, ठीक है, उसको बोला जाता है मैक्रोसोमिया, जिनका वजन जो है वो 4 kg से ज़्यादा होता है। तो अगर इतना लार्ज साइज का बेबी है तो भी वजाइनल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको एपिजियोटमी दे सकते हैं, इंडिकेशन है, ताकि वजाइनल ओपनिंग का जो साइज है वो बड़ा हो सके। नेक्स्ट है हाइड्रोसिफेलस, मतलब कि हाइड्रोसिफेलस मतलब जो बच्चे के सर में पानी भर गया है जिसकी वजह से जो हेड का साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो हेड सरकमफेरेंस बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए भी जो है इंसिजन दिया जाता है एपिजियोटमी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ, 4 तरह के एपिजियोटमी हम देते हैं। पहला टाइप मीडियोलेटरल, मीडियोलेटरल ये आप इमेज में देख सकते हैं, मीडियोलेटरल मतलब कि तिरछा दिया जाता है, तो जैसे आप देख सकते हैं वजाइनल ओपनिंग है, एनस है, तो इसको थोड़ा तिरछा दिया जाता है ताकि पेरिनियल टियर कंप्लीट पेरिनियल टियर ना हो सके, और ये मोस्ट कॉमन इंसिजन है, सबसे ज़्यादा इंसिजन यही दिया जाता है, ठीक है। तो 2.5 cm का इंसिजन दिया जाता है ऐसे मीडियोलेटरल, ठीक है, इसको राइट मीडियोलेटरल एपिजियोटमी बोलते हैं, इसको आप लेफ्ट मीडियोलेटरल भी दे सकते हैं, ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटमी है। इसमें कंप्लीट पेरिनियम इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए पेरिनियल टियर का रिस्क जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, एंड इट डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो ब्लड लॉस ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली टू मीडियन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का आता है मीडियन एपिजियोटमी, तो मीडियन एपिजियोटमी आप देख सकते हैं इमेज में कि बिल्कुल सीधा टूवर्ड्स द एनस, पूरा एनएस को इन्वॉल्व नहीं करते इसमें, लेकिन थोड़ा सा 2.5 cm का इसमें इंसिजन देते हैं पेरिनियम पे ही, ठीक है, और बिल्कुल सीधा इंसिजन देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, इस टाइप को बोलते हैं मीडियन। तो इसके बारे में देख लेते हैं, दिस इज सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटमी, ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप की एपिजियोटमी है, बिकॉज इन दिस टाइप ब्लड लॉस इज लेस, इसमें जो है वो ब्लड लॉस कम होता है, ठीक है, और देर इज रिस्क ऑफ कंप्लीट पेरिनियम टियर, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एनएस को तो वैसे हम इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन जब फीटल हेड बाहर आता है तो पेरिनियल टियर होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली परफॉर्म नहीं किया जाता, ठीक है।
और इसकी वजह से जो है वो रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला भी बन सकता है, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप की मैंने आपको बताई, दूसरे टाइप की एपिजियोटमी, ठीक है, मीडियन टाइप। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप जे शेप एपिजियोटमी। इन दिस इंसिजन इज नॉट परफॉर्म बिकॉज ब्लड लॉस इज मोर। एक तो ब्लड लॉस का खतरा ज़्यादा होता है इसमें, दूसरा हाई रिस्क ऑफ रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला होने का पूरा पूरा हाई रिस्क होता है, और टाइम कंज्यूमिंग इंसिजन, मतलब कि इसमें बहुत टाइम लगता है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसा होता है देखने में, ये आप देख रहे हैं तीसरा वाला जो है, ठीक है। तो इसको जे शेप इसलिए बोला जाता है कि 1 to 1.5 सेंटीमीटर जो है वो सीधा इंसिजन दिया जाता है, और उसके बाद मीडियो लेटरल दिया जाता है, लेटरल इंसिजन दिया जाता है, ठीक है। तो एक जे की शेप में ये इंसिजन दिया जाता है। इसको इसलिए परफॉर्म नहीं करते, एक तो रिस्क इसका ज़्यादा होता है रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला बनने का, दूसरा ये कि इसमें जो ब्लड लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है, तीसरा ये कि इसका जो प्रोसीजर जब इंसिजन देंगे तो वो टाइम टेकिंग है, सीजर को रोटेट करना पड़ेगा जिसकी वजह से बहुत टाइम लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप है लेटरल एपिजियोटमी। तो लेटरल एपिजियोटमी की बात कर लेते हैं, ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे इंसिजन दिया जाता है। सपोज ये विजाइना है और ये आपका हो गया एनस, ठीक है। तो इसको जस्ट 0.5 टू 1 सेंटीमीटर लेटरल साइड टू द वजाइना, ठीक है, ऐसे इसको परफॉर्म किया जाता है। लेकिन इसको यूजुअली जो ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं वो परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि इसमें बार्थोलिन डक्ट्स के डैमेज होने का रिस्क रहता है। दिस इज नॉट यूजुअली परफॉर्म बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ डैमेजिंग बार्थोलिन डक्ट। तो जो बार्थोलिन डक्ट हैं तो रिप्रोडक्टिव एज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है कि अगर इसमें डैमेज हो गया तो फिर मतलब जो चांसेस हैं कंसीव करने के वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो लेटरल एपिजियोटमी ऐसे दी जाती है, ठीक। तो मैंने आपको टाइप्स बताया, चार तरह की एपिजियोटमी, मीडियो लेटरल, मीडियन, जे शेप्ड और लेटरल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर कैसे होता है, प्रोसीजर में क्या करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीजिया 2% लिग्नोगेन, तो 10 ml सिरिंज में 10 ml के अराउंड 2% लिग्नोगेन ले लेते हैं, लोकल एनेस्थीजिया ले लेते हैं, और उसको वजाइना की जो उसको होल्ड करते हैं, ठीक है, वजाइना को, और फैन वाइज मैनर में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लोकल एनेस्थीजिया को, जिससे कि अच्छे से सुन हो जाए जो टिश्यू है, और जब इंसीजन दे तो मदर को पेन ना हो, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर मैन हेड विजिलेंस इज 2 to 3 cm, मतलब कि जब आपका हेड दिखने लगे, वजाइना के बाहर आने लगे, तो उस समय सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जब कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं तो तब उस समय आपको इंसिजन देना है, उस समय आपको कट लगाना है। तो यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट कॉमनली हम राइट मीडियो लेटरल एपिजियोटमी यूज करते हैं, तो राइट साइड में लिटरली थोड़ा सा इंसिजन देना है 2 to 2.5 cm का, और दो फिंगर आप इंसर्ट करके तब इंसिजन आप देते हो, ठीक है। इंसिजन देने के बाद एक्सपल्शन ऑफ फिटस, बेबी बाहर आ जाएगा, उसके बाद एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, और उसके बाद क्या होगा, सूचरिंग, ठीक है। उसके बाद उसकी सूचरिंग करनी है एपिजियोटमी की, वो कैसे करेंगे। सूचरिंग दो टाइप के सूचर होते हैं, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। तो एब्जॉर्बेबल का एग्जाम्पल स्कैटगर्ड और विक्रल, ठीक है, और नॉन एब्जॉर्बेबल के एग्जाम्पल सिल्क, नाइलॉन और प्रोलीन, ठीक है। एब्जॉर्बेबल के एग्जाम्पल कैटगट एंड विक्रल, और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के एग्जाम्पल सिल्क, नाइलॉन एंड प्रोलीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ सूचरिंग, कंटिन्यूस मेथड एंड इंटरमीटेंट मेथड, दो टाइप के मेथड होते हैं। एक में कंटिन्यूस मेथड में क्या होता है कि जो नोड है, जब आप पहला सूचर लेते हैं, स्टार्टिंग सूचर में एक नोड बांधते हैं, फिर पूरा सूचरिंग करते हैं, और फिर लास्ट में एक नोड बांधते हैं। लेकिन इंटरमीटेंट में क्या होता है, इंटरमीटेंट में हम हर नोड, एवरी सिंगल सूचर पे नोड बांधते हैं, कट करते हैं, फिर अगले सूचर पे फिर नोड बांधते हैं, फिर कट करते हैं। तो हर इसमें हर सूचर पे, हर नोड पे, हर सूचर पे नोड बांधते हैं, और इसमें स्टार्टिंग में और लास्ट में, कंटिन्यूस में जो है वो स्टार्टिंग में और लास्ट में नोड बांधते हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या है सूचरिंग की, एपिजियोटमी की, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन होने के बहुत बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं,
जब वहाँ जो क्योंकि वो अनहाइजीनिक जगह होती है तो इसीलिए इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मदर को ये एडवाइस किया जाता है कि उस हाइजीन को मेंटेन रखना है, जो भी ब्लड लॉस हो रहा है या जो भी डिस्चार्ज हो रहा है उसको फ्रीक्वेंटली क्लीन करना है, ठीक है। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है हेमरेज, तो हेमरेज के चांसेस भी हो सकते हैं। हमें सिक्स बाथ अवॉइड करना है विद इन 24 आवर्स। यूजुअली जो है जो सूचर्स को हील करने के लिए सिक्स बाथ प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन विद इन 24 आवर्स ऑफ सूचरिंग हमें जो है सिक्स बाथ को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि सिक्स बाथ गर्म पानी में अगर आप बिठाओगे मदर को तो हॉट वाटर की वजह से क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा और जो सूचर लगाए हैं उसमें से ब्लीडिंग होने के या हेमरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए जो सिक्स बाथ है उसको विद इन 24 आवर्स में अवॉइड किया जाता है, एंड इट शुड बी गिवन आफ्टर 24 आवर्स विद KMnO4 सोल्यूशन। मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल आते हैं, उसे आप डालते हैं, उसका जो रेशियो है वो 1:5000 है, ठीक है। एक क्रिस्टल डालते हैं आपका 5 लीटर ऑफ वाटर में, ताकि जो कंसंट्रेशन है उसकी बन सके, और उसके बाद जो कलर है उसका पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का वो मैजेंटा कलर का हो जाता है। और टेम्परेचर मैं आपको बता दूं, उस पानी का टेम्परेचर जो सिक्स बाथ में देते हैं हम 110 to 115 degrees Fahrenheit, ठीक है, 110 to 115 degrees Fahrenheit जो है उसमें हम टेम्परेचर रखते हैं पानी का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था एपिजियोटमी और उसके टाइप्स। तो एक बार रिकैप्चुलाइज कर लेते हैं, तो एक इंसिजन छोटा सा देते हैं पेरिनियम पर, ताकि जो नॉर्मल डिलीवरी है उसको फैसिलिटेट किया जा सके, और वेजाइनल ओपनिंग का जो साइज है उसको बड़ा किया जा सके, उसको एपिजियोटमी बोलते हैं। सीजर आपने देखी, एपिजियोटमी सीजर को बोलते हैं, ब्रॉन्स एपिजियोटमी सीजर। उसके बाद इंडिकेशन हमने देखे, इंडिकेशंस के बाद हमने उसके टाइप्स देखे, तो 4 तरह के मैंने आपको बताई थी। मीडियो लेटरल जो कि मोस्ट कॉमन टाइप की होती है, मीडियन जो सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप की होती है, जे शेप्ड जिसको ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया जाता, और लेटरल, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर की हमने बात करी, तो लोकल एनेस्थीजा देने के बाद में आप ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर 2 फिंगर इंसर्ट करके उसके बाद हम कट लगाते हैं, और 2 to 2.5 centimeter का कट होता है, ठीक है। और उसके बाद बच्चे की जो डिलीवरी होती है, फीटस की जो एक्सपल्शन होती है, उसके बाद प्लेसेंटा की एक्सपल्शन होती है, उसके बाद जो जितना भी ब्लड लॉस है उसको सोक करने के बाद में उसकी सूचरिंग करते हैं एपिजियोटमी की, ठीक है। तो सूचरिंग में मैंने आपको 2 टाइप के सूचर बताया, एब्जॉर्बेबल सूचर और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, ठीक है। उसके बाद हमने मेथड देखे सूचरिंग के, कंटिन्यूस मेथड और इंटरमीडिएट मेथड, और उसके बाद हमने कॉम्प्लिकेशन देखी। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो इन्फेक्शन है, और सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो हेमरेज है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स छोटा सा टॉपिक ओबीजी पोर्शन से एपिजियोटमी। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।